बिल्कुल खैरियत से होगी। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जैम, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है, जरूर ट्राई करें। उसके लिए जो हमें चीजें चाहिए वो ये है। सबसे पहले हमें स्ट्रॉबेरी चाहिए होगी जो कि 700 ग्राम है मेरे पास। लेमन हमें एक से दो चाहिए होंगे और जो कि हमने एंड पे डालने हैं। चीनी हमें एक कप चाहिए होगी। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी को कट करेंगे। एक स्ट्रॉबेरी लेंगे, उसका ऊपर से पत्ता उतार देंगे और इसको हिस्सों में काट देंगे। इसी तरह सारी कट कर लेंगे। ये जो मैंने अपनी सारी स्ट्रॉबेरी कट कर ली, इसको बनाने के वैसे तो कई तरीके हैं। कुछ पहले ग्राइंड करते हैं, कुछ चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। मैं चूल्हे पर चढ़ाऊंगी इसको। अब जी हम अपनी स्ट्रॉबेरी को एक कढ़ाई में ऐड कर देंगे। देन इसको जस्ट हमने इसी के पानी में पकाना है, हमने इसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करना। अभी देखिए इसने थोड़ा सा पानी अपना छोड़ दिया है, तब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी शक्ल इसकी आपके सामने आ गई है, वो सिर्फ शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर से शीरा बनता है और हमारी स्ट्रॉबेरी जो सी है वो जूसी भी शुगर की वजह से हो गई है। अब इसको हम पकाएंगे और इसमें चमचा हिलाते रहेंगे। अब पानी काफ़ी ज़्यादा हो गया है इसमें, इसलिए मैं इसको ढाँप दूंगी ताकि हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और जल्दी पक जाए। 20 से 25 मिनट लगते हैं टोटल आपको इसको पकाने में। तो अब मेरी स्ट्रॉबेरी जो है वो पक रही है। देखें जी, अब हमने इसका जो 5 मिनट बाद मैंने इसका जब ढकना उठाया तो हमारी स्ट्रॉबेरी जो है वो तकरीबन हुई पड़ी थी। लेकिन मैं इसमें कैम्ब्रिज की स्टिक्स ज़रूर मारूंगी, मधानी ज़रूर मारूंगी ताकि हमारी जो स्ट्रॉबेरी है वो अच्छी तरह मैश हो जाए। अगर आपके पास ये स्टिक नहीं है तो आप इसको जग में ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह हम हिलाएंगे और थोड़ी देर हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। अब इसमें देखें बड़े साइज का लेमन मैं एक डाल रही हूँ, अगर आपके पास छोटा है तो आप दो ऐड कर दें इसमें। ये जी मैंने अपना नींबू का रस इसमें डाल दिया है। मैंने इसके जो सीड्स है वो बिल्कुल निकाल लिए थे। अच्छी तरह आपने सीड्स निकाल लेने हैं, नहीं तो आप लग से प्याली में भी निकाल के इसमें डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ इसको टेस्ट करने का तरीका। मैंने जब स्ट्रॉबेरी ग्राइंड की थी उससे पहले मैंने फ्रीज़र में शीशे की प्लेट रख दी थी। अब ये चिल्ड हो गई है, बस ये हो कि हमारी जो प्लेट है वो चिल्ड हो। अब इसमें हम जैम के दो तीन ड्रॉप्स ऐड करेंगे और इसको दो तीन मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अब मैंने जब इसको साइड पर रखा था तो हमारी जैम थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। अब ये देखें बिल्कुल भी ऊपर से नीचे नहीं हो रही, नीचे से ऊपर नहीं हो रही। तो इट्स मीन कि हमारी जैम जो बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर हम इसकी आँच जो है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। अब जो हमने आँच जो है वो बंद कर दी है इसकी जी, मैंने अपनी जैम को ठंडा कर लिया था। अब इसको मैं जार में डाल के रख दूंगी 2 से 3 महीनों के लिए, 3 से 4 महीनों के लिए हम इसको स्टॉक कर सकते हैं और देन जब दिल चाहे तो मज़े से इसको खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्ती जैम हमारी तैयार हो गई है। अगर पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्ती वीडियोस मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।